गुड मॉर्निंग। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे या पिछले क्लास में हम लोग देखे थे डिफरेंशिएशन का स्टैंडर्ड फॉर्म की डिफरेंशिएशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन में पावर फंक्शन का डिफरेंशिएशन देखे थे, लॉगरिथमिक का देखे थे, एक्सपोनेंशियल का देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हम स्टैंडर्ड फॉर्मूला देखे थे। एक सिंपल सा एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसका हम डिफरेंशिएशन निकालने के लिए बोल रहा था, उसका डी वाई बाई डी एक्स निकाल के अभी हम लोग आ गए हैं डबल डिफरेंशिएशन के पास। मतलब कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के पास, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन होता क्या है कि अगर किसी भी फंक्शन को मोर देन वन टाइम अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं उसी को सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बोलते हैं। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में कुछ खास नहीं है, वही है जो हम पहले डिफरेंशिएशन में पढ़े थे। जो मेरे पास किसी फंक्शन दिया हुआ था कि y इक्वल टू x टू द पावर n, इसको बोला था dy by dx, ये पहले हमको बोल रहा था, अब हमको बोल रहा है कि इसका nth डिफरेंशिएशन बताइए हमको क्या होगा। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में एक किसी फंक्शन का अगर कोई एक फंक्शन दिया हुआ तो उसका nth डिफरेंशिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे वो देखेंगे। उसके बाद अगर मेरे पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिया हुआ है और उस फंक्शन का बोल रहा है कि सिंगल डिफरेंशिएशन, तो हम तो u इनटू v का फॉर्मूला u प्लस डिफरेंशिएशन और v प्लस v इनटू डिफरेंशिएशन u ये हम लगा लिए थे। अब उसी फॉर्मूला को, उसी प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन को nth डिफरेंशिएशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे निकालेंगे। तो अगर हम किसी एक दो फंक्शन दिया हुआ है उसका प्रोडक्ट है उसको अगर हम एक बार डिफरेंशिएट करें तो दो टर्म बनेगा, दो बार करेंगे तो चार टर्म बनेगा, तीन बार करेंगे तो आठ टर्म, ऐसे ऐसे दस या पंद्रह सौ बार बोल दिया जाए तो वो निकालना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा उतना टर्म। तो उसके लिए लेबनीज थ्योरम आया जो कि प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन पे है। सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम सबसे पहला क्वेश्चन पे चलते हैं क्या कि अगर हमको yn दिया हुआ है और y इक्वल टू x टू द पावर n दिया हुआ है और इसका बोला कि फाइंड yn, yn इसका मतलब है कि इसका nth डिफरेंशिएशन क्या होगा। सिमिलरली ये आपका लॉजिक पे बनने वाला है। मैथ सुने होंगे पहले कि मैथ एक लॉजिक है, मैथ लॉजिक पे चलता है। आज आप देखिएगा कि मैथ लॉजिक क्या है, लॉजिक पे ही निकल के आता है, आपको मानना होगा। एक पहले भी देख रहे थे कि ये सोच के चलते मैथमेटिक इंडक्शन में हम लोग पढ़े थे 11th में क्या कि अगर एक के लिए ट्रू है, दो के लिए ट्रू है, मान लेते हैं कि एन के लिए ट्रू है, एन प्लस वन के लिए ट्रू दिखा देते हैं तो वो मेरा जो फॉर्मूला है जो भी है वो सेटिस्फाई करता है सभी के लिए, वो फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है। हम यहाँ पे देखेंगे कि एक के लिए एक फॉर्मेट बना रहा है, दो के लिए एक फॉर्मेट बना रहा है, तीन के लिए एक फॉर्मेट बना रहा है, चार के लिए हम मान लेंगे कि खुद ब खुद वो फॉर्मेट है। जैसे मैं किसी एक गांव में मान लेते कि एक स्टूडेंट वहां से अगर मान लीजिए कि निकला कि बहुत अच्छे स्टूडेंट है, सेकेंड ईयर भी वही गाँव से निकला कि उसी गांव का एक स्टूडेंट टॉपर निकल गया, थर्ड ईयर में फिर भी उसी गांव का टॉपर निकल गया, तो हम लोग सोच रहे थे चौथा टाइम में भी उसी गांव का टॉपर निकलेगा, सेम उसी तरह से इस पे भी बनाएंगे। हमको बोला इस क्वेश्चन में कि इफ y इक्वल्स टू x टू द पावर n dy by dx क्या होगा। हमको दिया y इक्वल्स टू x टू द पावर n, हम इसका y डैश निकाल ले, तो जब y डैश निकाल ले तो ये हो गया n x to the power n minus 1, y double dash निकाले तो ये हो गया n into n minus 1 x to the power n minus 2, y triple dash निकाले तो ये हो गया n into n minus 1 into n minus 2 x to the power n minus 3, ये प्रोसेस हो गया। हमको अगर हम इसी में y फोर्थ निकाले तो ये हो गया n into n minus 1 और n minus 2 और n minus 3 x to the power n minus 4। अब यहाँ से हम लॉजिक लेंगे क्योंकि हम कितना तक nth निकालना है, nth हमको मालूम नहीं कितना होता है, कहाँ तक लेके हम जाएंगे ये हमको नहीं मालूम है। तो हम nth अगर निकालेंगे तो nth निकालने के लिए पहले बात देखेंगे, अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे भी n में से कुछ नहीं घट रहा है, अगर यहाँ पे 1 है तो लास्ट वाला टर्म n में से, यहाँ पे 2 है तो n माइनस 1 एक टर्म कम इससे घट रहा है, यहाँ पे 3 है तो यहाँ माइनस 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कितना टर्म घट रहा, 3 टर्म।
एक कम होते जा रहा है, अगर यहाँ पे है तो ये कम होगा n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 आपको n माइनस वन ये टर्म आएगा। उसके बाद ये टर्म तो आ गया, ये समझ गया यहाँ पे n है तो यहाँ पे n में से n माइनस वन घटेगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 1 है तो n में से 0 घट रहा, यहाँ पे 2 है तो n में से माइनस 1 घट रहा, एक टर्म कम होते हुए जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए 1 है तो x के पावर में n माइनस 1, यहाँ पे भी एक कम रहा है, यहाँ पे 2 है तो x n में पावर में से माइनस 2 हो रहा है, यहाँ पे 3 है तो पावर में से क्या हो रहा है माइनस 3, तो यहाँ पे x के पावर n में से अगर यहाँ पे n है तो ये क्या हो जाएगा माइनस n, तो मेरे पास निकल के आया n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 ये टर्म। अब देखिए ये वाला आपको सॉल्व करेंगे, n माइनस वन तो हो जाएगा n माइनस n प्लस वन आ जाएगा वन, इससे पहला वाला टर्म क्या होता है n माइनस टू, यहाँ पे टू तो यहाँ पे टू, मतलब ये टर्म हो जाएगा 3 इंटू टू डॉट ये टर्म डॉट वन, x के पावर 0 क्या होता है 1 होता है, मतलब कि ये जो निकल के आया वो निकला, इसी को हम उल्टा लिख देंगे ये हो जाएगा 1 2 3, ये मल्टीप्लिकेशन होते जा रहा है 4 5 डॉट 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 n माइनस वन n माइनस n n माइनस नहीं n तक जाएगा ये टर्म, ये कहां तक जाएगा n तक जाएगा, इसी को बोलते हैं फैक्टोरियल n, क्या बोलते हैं फैक्टोरियल n, क्योंकि 1 2 3 4 डॉट 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 n तक जाता है उसी को फैक्टोरियल n हम लोग बोलते हैं, जैसे फैक्टोरियल 5 तो 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, इसीलिए फैक्टोरियल n n गुने n माइनस 1 गुने n माइनस 2 कहां तक गया 1 तक गया। तो इसका इस मेरा मेरे पास इसका सलूशन क्या आ गया कि yn जो आ गया वो yn आ गया आपका फैक्टोरियल n, ये इसका सलूशन हो गया। तो इसको हम nth डिफरेंशिएशन करें तो इसमें लॉजिक क्या देखो, शुरू में एक के लिए निकालिए, दो के लिए निकालिए, तीन के लिए निकालिए, चार के लिए हम निकालिए, ज्यादा से ज्यादा 5 6 7 के लिए आप निकाल लीजिएगा, लेकिन आप nth के लिए जाके तो उसी लॉजिक को जो लॉजिक को वो होल्ड कर रहा है उस लॉजिक को हम पकड़ लिए कि इस बात को ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है, उस पैटर्न को हमको पकड़ना है। nth डिफरेंशिएशन निकालने के लिए आपको क्या करना है, सिर्फ पैटर्न को पकड़ना है, अगर आप पैटर्न पकड़ लिए तो आपका nth डिफरेंशिएशन निकलेगा, और पैटर्न नहीं पकड़िएगा तो आपको nth डिफरेंशिएशन नहीं निकलने वाला है। हम सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, सेकेंड क्वेश्चन है y equals to ax plus b to the power n, इसमें भी हमको पैटर्न पकड़ना पड़ेगा, 1 2 3 4 तक हम बना लेंगे उसके बाद हमको पैटर्न पकड़ना होगा। पैटर्न क्या होगा, जैसे मैं मेरा y दे दिया, y हमको दिया क्या ax plus b to the power n, ये हमको दे दिया, हम इसका y डैश निकालें मतलब कि फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, तो ये हो गया n इंटू ए एक्स प्लस बी पावर में n माइनस वन इंटू ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स का a अभी का 0, तो ये आ गया a, हम y2 निकालेंगे, ये आ गया n इंटू n माइनस वन इंटू ए एक्स प्लस बी पावर में n माइनस टू इंटू, फिर से यहां से a निकलेगा a और a क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ये टर्म होगा y ट्रिपल डैश मतलब कि थर्ड डेरिवेटिव इसका निकालते हैं, ये आ गया n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू ए एक्स प्लस बी पावर में n माइनस 3 और a के पावर में, हम आगे और नहीं बढ़ेंगे, हम पैटर्न पे चल आते हैं, क्या यहाँ इसका वाई एन क्या निकालेंगे, पहली बार यहाँ देखना, यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 है ना, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे क्या है 2 है, इसका मतलब है कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू डॉट 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 लास्ट वाला टर्म होगा n माइनस में से n माइनस 1 को घटा देंगे, कोई दिक्कत।
अब पहली बात, यहाँ पे वन है तो पावर में a के पावर में वन है, यहाँ पे टू है, उससे पहले मेरा ये टर्म है ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी पावर में, यहाँ पे देखिए तीन है तो पावर में से तीन घट रहा है, दो है तो पावर में से दो घट रहा है, अब यहाँ पे n है तो पावर में से n को हम सब्ट्रैक्ट कर दिए, इनटू यहाँ तीन है तो a के पावर में तीन जा रहा है, यहाँ दो है दो इसके पावर में टू जा रहा है, यहाँ पे n है तो a के पावर में कितना जाएगा n जाएगा, मेरे पास रिजल्ट निकलेगा क्या n इंटू n माइनस वन इंटू n माइनस टू इंटू डॉट डॉट डॉट, इसका जस्ट निकाल लेते हैं, इसे पहले वाला टर्म होगा थ्री इंटू टू इंटू वन, और ये a x प्लस b के पावर जीरो, इसी के पावर में कोई नंबर के पावर में अगर जीरो आता है फाइनल करोगे ना वो क्या हो गया आपको वन, और a के पावर में n, मतलब कि फिर से रिजल्ट निकल के आया, देखिए n n माइनस वन से लेके वन तक है, इसका मतलब है कि वो है फैक्टोरियल n, a के पावर में n, ये मेरा आंसर कहलाएगा। तो एक पैटर्न अगर मालूम चलेगा तभी हम बना सकते हैं, पैटर्न मालूम नहीं चलेगा तो हम पैटर्न को नहीं बना सकते हैं। इसमें nth डिफरेंशिएशन निकालने में सबसे अहम भूमिका है एक पैटर्न का, सिंगल तो आता है, डबल भी कर लेंगे, ट्रिपल भी कर लेंगे, लेकिन nth कैसे करेंगे, nth करने के लिए हमको पैटर्न जानना जरूरी है, और ये पैटर्न आपको खुद ब खुद दिखने लगेगा, सिंपल बात है। अगर एक रोड से अगर तुम जाते हो, अगर एक रोड से तुम जा रहे हो और उसमें मतलब मान लो कि यही रोड देख लो ना, इंडस्ट्रियल एरिया का ही रोड देख लो, एक इंसान गुजर रहा है 8 बजे पर डे गुजर रहा है, और वो देख रहा है कि पर डे सीमेज के 10 स्टूडेंट, उसके उस समय में 10-15 स्टूडेंट जाते रहा है, व्हाइट ड्रेस में स्टूडेंट जा रहा है बैग लेके, अगर कोई व्हाइट ड्रेस में वो आगे स्टूडेंट निकल गया पीछे से देखेगा पूछेगा कौन जा रहा है, तो सीमेज का स्टूडेंट ही जा रहा है, क्योंकि वो पढ़ के देख रहा है वो अपने टाइम में कि इस गली से सीमेज के स्टूडेंट ही निकल के जून में जाते हैं, और एक उससे किसी भी पूछेगा भी तो बोलेगा कि अच्छा वहाँ पे सीमेज का स्टूडेंट ही जाता होगा उसमें, क्योंकि वहाँ पे सीमेज कॉलेज है। तो ये आपको ये जानना जरूरी है कि पैटर्न क्या है, पैटर्न अगर पकड़ लिए तो आपको खुद ब खुद पहला बार देख लिए निकाल के, सेकेंड बार देख लिए, थर्ड बार देख लिए, फोर्थ बार देख लिए, nth बार हमको पूछ रहा है हम उस पैटर्न को फॉलो करें, निकाल लिए मेरा डिफरेंशिएशन निकल गया a के पावर n इनटू इनटू फैक्टोरियल n, ये मेरा इसका सॉल्यूशन हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये y इक्वल टू e टू द पावर ax, ये जितना भी बता रहे तुम्हारे लिए इजी है क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन तुम्हारे 12 नंबर एग्जाम में एक्यू के एग्जाम में ये क्वेश्चन 12 नंबर का आया हुआ है। आप देखो ये कितना इजी है, देख के भी हंसोगे कि सेट करने वाले भी क्या से कितना इजी से बोले कि आइए 12 नंबर लेके चलिए, मतलब कि y हमको दे दिया e टू द पावर ax, y डैश निकाले तो इसका डिफरेंशिएशन सेम होता इनटू x का कोफिशिएंट a, y डबल डैश निकाले तो a टू द पावर ax इनटू a स्क्वायर, y ट्रिपल डैश निकाले तो a टू द पावर ax इनटू a क्यूब, इस पैटर्न को फॉलो किया, y के पावर n निकालना मतलब कि nth डिफरेंशिएशन, तो ये a टू द पावर ax तो है ही, यहाँ पे देखो तीन है तो पावर में तीन है, टू है तो पावर में टू है, वन है तो पावर में वन है, आंसर हो जाएगा a के पावर में n, ये मेरा nth डिफरेंशिएशन। बस 12 नंबर ये समझे, तो ये कभी पूछा कभी वो पूछेगा, कभी और आगे भी क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन है, कौन क्वेश्चन कब पूछेगा कोई ठीक नहीं, ये जानना बहुत जरूरी है आपको कि सक्सेसिव डिफरेंशिएशन क्या होता है, अगर सक्सेसिव डिफरेंशिएशन मालूम है तो उसका पैटर्न मालूम होना जरूरी है। अब ये तो तुम लग रहा है कि बहुत इजी है कर रहे हैं, इसी का यूज आगे जाएंगे, दो प्रोडक्ट का आप दो कंसेप्ट का प्रोडक्ट रहेगा उसका nth बोलेगा, तो पहले में दो फिर चार फिर आठ फिर 16 फिर 32, तुम बोलोगे छोड़ो ना क्या करें, अब उसमें तो पैटर्न मिलेगा नहीं, उसके लिए लेबनीज़ है,
लेकिन जब मैं थ्योरम दिए उस थ्योरम को प्रूव भी करेंगे, उसके क्वेश्चन भी बनाएंगे, उससे भी ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये आते हैं log x, सबको मालूम है। ये हम y equals to log x दिया हुआ है, y डैश निकाले आ गया 1/x। अब तो log आया नहीं, अब सोचो कि एक बार देख गए तो ये बात हो गया कौन वाला बात मालूम है, सीमेज में इंडक्शन मीट की बात हो गई कि आप सीमेज में आए, आप फर्स्ट डे सीमेज में आ रहे हैं तो विदाउट ड्रेस आ रहे थे, इंडक्शन मीट के दिन ड्रेस नहीं मिला हुआ था बहुत को, पहला दिन आप इंटरेस्ट देने के लिए आए तो अपना ड्रेस में पहन के आए, ये लॉग एक्स में आ गए अपना ड्रेस में। अब जैसे ही सीमेज में एडमिशन हो गया तो वाई इक्वल टू 1/x पहला बार हो गया, मतलब कि इंटरेस्ट दिए, इंटरेस्ट पास हो गया, एडमिशन हम ले चुके हैं। अब 1/x हो गया, चलो 1/x हो, तुम किसी तरह हो, अब यहाँ के पैटर्न को फॉलो करना होगा, ड्रेस में आना होगा, सूट में आना होगा। अच्छा से आपको ये विदाउट ड्रेस आइएगा तो एंट्री नहीं मिलने वाला, विदाउट आईडी कार्ड आइएगा तो एंट्री नहीं मिलेगा। सेम है, ये बोला कि तुम सही हो जाओ भाई, इसको सही कहा कि x के पावर माइनस एकदम तुम बदमाश थे, अपने घर थे, यहाँ पे सुधर जाओ, मतलब कि y डैश में आते आते ये x के पावर माइनस बन गए ये। अब यहाँ पे आके तुम अभी पहला दिन हाँ समझ गए रूल रेगुलेशन क्या है, ऐसे हमको रहना है, ऐसा नहीं कि कैसे भी हमको रहना है। log x में थे चलो अच्छी बात है, 1/x हुए, एक बार एडमिशन ले लिए 1/x, कॉलेज आ गए। अब कॉलेज में आपको बताया गया कि ऐसे नहीं रहना है, कैसे रहना है, ऐसे रहना है क्योंकि आप जाइएगा कंपनी में जॉब ले कीजिएगा तो आपको प्रेशर भी आएगा, काम भी करना होगा, 10-10 घंटा 8-8 घंटा ऐसे काम करना, यहाँ भी पढ़ना है 6-6 घंटा 7-7 घंटा, बीच में तो 8-8 घंटा यहाँ पे कंटिन्यू आपको पढ़ना है, सभी चीज थे या कुछ नहीं, बीच ये तीन महीना 4 महीना लगता है कुछ है, जैसे मैं तुम लोग को सेट थ्योरी खत्म, रिलेशन खत्म, फंक्शन खत्म, कुछ स्टूडेंट है जो सेट आके 5 मिनट में डिफाइन कर सकते हैं, कुछ स्टूडेंट है सीरियसली यही नहीं तो लेंगे, आप सीरियस लेंगे। चले यहाँ पे हमारे करते हैं तो y डैश इक्वल टू x के पावर माइनस 1 है। अब आ गए तुम सीमेज में, अब ये सीमेज में आ गए हो तो y डबल डैश जो रूल है रूल के साथ चलिए, आप भी खुश, आपका भी पढ़ाई ऐसा से चलेगा, उसमें कहीं नहीं है, प्लेसमेंट भी होगा, तो ये पावर में माइनस 1 आ जाता है ना, और x के पावर में माइनस 1 घट जाता है, तो माइनस 1 घटेगा तो कितना जाएगा माइनस 2। एक पैटर्न में आप पर डे ड्रेस में आना है तो ड्रेस में आना है, y ट्रिपल डैश किए तो आ गया माइनस 1 माइनस 2 x के पावर में माइनस 3। log x किए y डैश किए तो कितना हो गया x के पावर में माइनस 1 y डैश, ये लिखा हुआ है y डबल डैश ये हो गया, y ट्रिपल डैश ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, y का फोर्थ डेरिवेटिव निकाले तो ये आ गया माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 और x के पावर में माइनस 4, कोई दिक्कत। पैटर्न को लेके चले, पैटर्न पकड़ा गया हमको, yn निकालना है, देखो यहाँ 4 है तो ये कहाँ तक गया है 3 तक ना, तो ये जाएगा माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 डॉट 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 माइनस n माइनस 1 तक, यहाँ तक जाएगा, एक कम तक जा रहा है ना, x के पावर में, x के पावर में यहाँ 4 है तो यहाँ पे 4 है, वहां 3 है तो यहाँ पे 3 है, यहाँ n है तो x के पावर में माइनस, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताऊं, माइनस 1 अगुने माइनस 1 अगुने माइनस 1 तीन बार लिखिए, इसको लिख सकते हो माइनस 1 के पावर में 3, सब में माइनस दिख रहा है, माइनस कितना बार दिख रहा है n माइनस, माइनस 1 के पावर में n माइनस 1 लिख सकते हैं ना, सब में से माइनस को कॉमन किए, माइनस 1 के पावर में माइनस कितना है n माइनस 1 बार है,
और ये आपको निकल गया 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू डॉट 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 इंटू एन माइनस 1 अपॉन पावर में अगर माइनस है तो वो डिनोमिनेटर में ले आते हैं, मतलब कि x के पावर n। अब देखिए माइनस 1 के पावर में n माइनस 1 इंटू कहां से स्टार्ट है 1 2 से लेके कहां तक n माइनस 1 मतलब कि फैक्टोरियल n माइनस 1 अपॉन में x के पावर n, यही मेरा क्या कहलाया nth डेरिवेटिव। समझे? आपको इसमें क्या करना है, जो टर्म दिया हुआ उसको फॉलो करना है, एक पैटर्न में लाना है। 1 बाई एक्स का थोड़ी हम डिफरेंशिएशन का एक स्टैंडर्ड फॉर्म का फॉर्मूला पढ़े थे, नहीं ना पढ़े थे? गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ी है, मतलब या कोई भी ऐसा कह रहे चलो जिस ड्रेस में चलो सब कोई चीज है, नहीं आओगे क्लास तो फिर y इक्वल टू log x, पता नहीं था पैटर्न क्या है log x, एक बार किए तो 1 बाई एक्स में आ गया। ये भी पैटर्न हमको एक डिफरेंशिएशन का पता नहीं चल रहा, हम x के पावर में माइनस 1 ले गए। जब हम x के पावर माइनस 1 ले गए तो हमको पैटर्न मालूम चल गया ना। अब चल गया तो पैटर्न मालूम है, और जब पैटर्न अगर मालूम हो गया उस रास्ते पे चलेंगे तो सक्सेस मिलेगा। रूल रेगुलेशन जो है उसको तुम फॉलो करोगे, जितना हम होमवर्क देते हैं अगर उतना करोगे उतना याद रखोगे, सारे टीचर जो बोलते हैं वो सारे तुम अगर किए तो सक्सेस मिलना कंफर्म है। जैसे हमको nth मालूम नहीं था, nth का डिफरेंशिएशन पहले पढ़े थे nth नहीं पढ़े थे, मालूम नहीं चला था nth क्या होगा, nth तो खुद नहीं मालूम है कि क्या है, 100 है कि 101 है कि 1001 है कि 101 है, कुछ नहीं है। अब कुछ भी का है ना, 10 लाख या 1 अरब भी रख दो ना, अरब भी रख दो कुछ भी, सबका बोलेगा हम डिफरेंशिएशन निकाल के देते हैं क्योंकि हमके पास मास्टर की लग चुका है। मतलब कि आपके पास कंसेप्ट आ जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन पूछिए ना, आंसर तो मेरे पास है ही, तो यही है, कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम चलते हैं, आते हैं, ये भी उल्टा दिख रहा है, इसका तुमको डिफरेंशिएशन मालूम ही नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो कोई पढ़ा ही नहीं, 1 by ax + b का कोई फॉर्मूला पढ़ा है? नहीं पढ़ा है। जब नहीं पढ़ा है तो कैसे निकालेंगे? तो पहले अगर कोई भी आता है, अब कोई भी मैं बदमाश है या कोई भी है तो आएगा तो उसको रूल एंड रेगुलेशन बताएंगे, बाबू इस फॉर्म में आना है तो तुम्हारे साथ डिफरेंशिएशन होगा, इस साथ में नहीं आओगे तो डिफरेंशिएशन नहीं होगा। और ये आया भी है तो किसके साथ है, एक्स प्लस बी के साथ है, किसी ए जो है कॉन्स्टेंट, एक बी तो बेचारा अकेले है लेकिन एक्स तो है फंक्शन के साथ में, तो उसको कोई डर भय नहीं है, चलो फंक्शन तो मेरे साथ है। अब y हमको दे दिया 1 upon ax + b, ऐसा तो हम डिफरेंशिएशन पढ़े नहीं थे, हम पढ़े थे कि किसी फंक्शन के पावर में अगर n रहेगा ना तो उसका हम डिफरेंशिएशन पढ़े थे, लेकिन ऐसा नहीं पढ़े थे। इसी को हम कर लिए ax + b पावर में, अब इसका हमको मालूम है y डैश निकाले तो माइनस 1 ax + b पावर में कितना माइनस 2 इंटू में a, y डबल डैश निकाले तो माइनस 1 माइनस 2 ax + b पावर में माइनस 3 और ए के पावर में स्क्वायर, कोई दिक्कत? वाई ट्रिपल डैश निकाले तो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 ax + b के पावर में और ए के पावर में, कोई दिक्कत? y n निकालते हैं। देखो यहाँ 3 है तो ये कहां तक गया, 3 तक गया, अब पावर में कितना जा रहा है, एक अधिक जा रहा है, यहाँ पे
टू है, पावर में कितना जा रहा है, एक अधिक जा रहा जितना पावर है, तो ये लिखेंगे माइनस वन माइनस टू माइनस थ्री डॉट 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 माइनस एट, और ए एक्स प्लस बी के पावर में माइनस आ एन प्लस वन आ इंटू ए के पावर में इंटू ए के पावर में कितना एन। कोई दिक्कत? अच्छा देखो तो सब में माइनस है ना, कितना टाइम्स है एन एथ टाइम्स, तो हम माइनस को कॉमन किए, माइनस वन के पावर में कितना एन वन गुने टू गुने थ्री गुने डॉट 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 गुने एन। आ यहाँ पे ये क्या है ए के पावर में एन अपॉन में, इसको नीचे ले आते हैं ए एक्स प्लस बी के पावर में एन प्लस, मतलब आया क्या माइनस वन के पावर में एन इंटू फैक्टोरियल एन इंटू ए के पावर में एन अपॉन ए एक्स प्लस बी के पावर में कितना एन प्लस वन। कोई दिक्कत? मतलब इसी टाइप से क्वेश्चन पूछेगा तो हम बना सकते हैं, इसमें तो हमको कोई शक लगता नहीं है। और क्वेश्चन है तो लॉग का हम तो बताए थे, एक आप हमको बताइए y n = log a x + b है, इसका nth हमको आप कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा इसका आंसर क्या है। दूसरा आते हैं साइन एक्स के साथ चलते हैं, एक क्वेश्चन इसका भी बनाएंगे तो थोड़ा सा रंग आएगा, क्योंकि सबका ऑलरेडी क्या देखे लॉगरिथमिक क्या देखे एक्सपोनेंशियल क्या देखे ट्रिग्नोमेट्रिक के बेचारा को गाय छोड़ देंगे, इसका भी देखेंगे इनवर्स का भी देखेंगे। तो वाई इक्वल्स टू कितना दिया साइन एक्स ना, कोई दिक्कत ना, पक्का ना? Yes, sir. अच्छा y डैश को डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं, y डबल डैश करेंगे तो माइनस साइन एक्स, इसमें भी दिक्कत नहीं है। y ट्रिपल डैश माइनस कॉस एक्स और वाई फोर कितना होगा प्लस साइन एक्स, फोर के बाद ये फिर से पैटर्न को करने लगेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इस देखो को साइन को हम लेके चले, अगर हम बात करेंगे साइन पाई माइनस एक्स क्या होता है साइन एक्स, अगर हम यहां बात करेंगे साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है, ये साइन एक्स हमको दिया हुआ है और अगर हम इसको लेके चलेंगे साइन को, तो अगर ये साइन पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है माइनस कॉस एक्स होता है, ये पैटर्न को नहीं ले रहा है। साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा प्लस साइन पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा कॉस एक्स, साइन टू पाई बाई टू माइनस एक्स क्या होगा साइन पाई माइनस एक्स
साइन एक्स, साइन ही एक्स होता साइन पाई प्लस एक्स माइनस ये, और साइन पाई बाई टू प्लस एक्स माइनस कॉस एक मिनट, साइन पाई बाई टू किस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स क्या होता है कॉस एक्स, साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है माइनस साइन एक्स, और साइन थ्री पाई बाई टू और प्लस एक्स थ्री पाई बाई टू और प्लस एक्स, थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में और पाई बाई टू के साथ है तो ये तो कॉस होगा, क्या होगा कॉस होगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन क्या होगा निगेटिव, तो माइनस कॉस एक्स, साइन क्या पे फोर पाई बाई टू प्लस एक्स, फोर पाई बाई टू मतलब की टू पाई, और टू पाई प्लस एक्स मतलब की फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पाई प्लस एक्स क्या होता है साइन एक्स ही होता है, क्या होता है साइन एक्स। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम वन लिख देते हैं, क्या ये आपको ये लिख दिए कोई दिक्कत नहीं, हमको nth डिफरेंशिएशन ना निकालना है, अब nth डिफरेंशिएशन हमको निकालना है, तो देखो y इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ था, y डैश निकाले, क्या निकाले y डैश, तो cos x आया, cos x को sin π/2 cos x लिख सकते हैं कोई दिक्कत, y डबल डैश निकाले तो क्या आया माइनस साइन एक्स, जब माइनस साइन एक्स को हम साइन टू पाई बाई टू प्लस एक्स लिख सकते हैं, साइन ट्रिपल डैश निकाले तो आया माइनस कॉस एक्स, इसको लिख सकते हैं साइन थ्री पाई बाई टू प्लस एक्स, फोर्थ निकाले तो साइन एक्स आया जिसको लिख सकते हैं साइन फोर पाई बाई टू प्लस एक्स, कोई दिक्कत। अच्छा एक बात बताओ, यही पैटर्न को हम फॉलो करेंगे, यहां से साइन फिफ्थ निकालेंगे, तो साइन फिफ्थ मेरा क्या होगा कॉस एक्स, आप कॉस एक्स को आप लिख सकते हो साइन फाइव पाई बाई टू और प्लस एक्स, एक पैटर्न दिखने लगा, सभी में साइन आ रहा है, पाई बाई टू मल्टीपल हो रहा है, अब फर्स्ट डेरिवेटिव है तो वन, सेकेंड डेरिवेटिव है तो टू, थर्ड है तो थ्री, फोर्थ है तो फोर, और फिफ्थ है तो फाइव, अगर यही हम करें सिक्स निकाले तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और इसको आप लिख सकते हैं साइन सिक्स पाई बाई टू प्लस, कोई दिक्कत। आप इसी पैटर्न को होल्ड करेंगे, इसी पैटर्न को होल्ड करेंगे तो मेरा आ जाएगा वाई एन बराबर आपको साइन कितना एन पाई बाई टू प्लस एन एथ निकल गया। तो आपको ये देखना है कि एक पैटर्न को फॉलो कैसे करता है, हम देखे मेरे पास बहुत सारा पाई बाई टू माइनस सिक्स ऐसा भी आएगा, कंफ्यूजन नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन देखना है कि एक पैटर्न को कौन फॉलो करता है, साइन से कॉस आया तो साइन पाई बाई टू प्लस एक्स लिखेंगे तो कॉस आ गया, कॉस से माइनस साइन आया तो साइन टू पाई बाई टू मतलब कि पाई प्लस एक्स लिखेंगे तो थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है तो माइनस साइन एक्स हो गया, साइन फोर्थ ये थ्री पाई बाई टू आप प्लस एक्स आ गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में भी निगेटिव होता है तो माइनस कॉस एक्स हो गया, साइन पाई बाई फोर प्लस टू मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता था ये साइन एक्स आ गया, ये आ गया, इस चीज को फिर से ये करेगा, लेकिन ये नंबर देख लो पाई बाई टू प्लस एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सेकेंड में, ये थर्ड में, ये फोर्थ में, फिर से इसके बाद आएंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, सिर्फ नंबर को चेंज होते जाएगा उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एनथ मेरा निकल गया, अगर ये निकल गया तो कॉस का बना सकते हैं, कॉस का आंसर क्या होगा कि कॉस एक्स का आपको डिफरेंशिएशन क्या होगा ये हमको बताना है, मतलब क्या यही क्वेश्चन कि y इक्वल टू कॉस एक्स है तो इसका आंसर क्या होगा हमको बताना है कि क्या होगा, सेम उसी तरह से कॉस है तो कॉस का क्या होता है
तो उसी पैटर्न को हमको फॉलो करना है, फॉलो कीजिएगा, अपने आप को आंसर निकल के आएगा। इसके आंसर क्या होगा ये हमको बताइए। ये उसी का फॉर्म ये। अच्छा ये बताओ, हमको y दिया, सेम उसी तरह से बनेगा साइन ए एक्स प्लस क्या है y डैश निकाले तो क्या आ जाएगा, क्या हो जाएगा cos ax प्लस इंटू, तो पहले a लिख ले, कोई दिक्कत। अच्छा इसी चीज को आप लिख सकते हो sin pi by 2 प्लस ax प्लस b, कोई दिक्कत। sin pi by 2 प्लस थीटा, sin थीटा का क्या होता है cos थीटा, तो साइन का लेंगे तत्व आ जाएगा और साथ में ए है, हम यहाँ पे ए लेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे डबल डैश ए स्क्वायर कॉस का क्या होता है माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, इसी को क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर साइन वाई टू पाई बाई टू और प्लस ए एक्स प्लस, कोई दिक्कत। थर्ड लिख सकते हैं क्या माइनस ए क्यू कॉस ए एक्स प्लस बी, इसी को लिख सकते हैं ए क्यू साइन थ्री पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस वाई फोर ए के पावर में फोर साइन ए एक्स प्लस बी, ए के पावर में फोर साइन फोर पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी। एक पैटर्न मिल गया, फिर से वही चीज आ जाने लगा। अब हम इसको प्रोसेस को बनाएंगे और वाई एन हम निकालेंगे, तो वहां देखिए फोर है तो ए के पावर में कितना है ए के पावर में एन साइन एन पाई बाई टू प्लस ए एक्स प्लस बी, ये मेरा आंसर बन रहा है। सेम इसी तरह से कॉस ए एक्स प्लस बी का भी हम लोग निकालेंगे। आप इस तरह के क्वेश्चन को ये कॉस ए एक्स प्लस बी है निकाल के हमको बताइएगा क्या होगा। और इसी तरह से एक और क्वेश्चन है, इसमें उनको बताएगा वन अपॉन एक्स प्लस डी टू दी पावर में एन है, ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, ये नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे। इसके बाद हम लोग प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। पहले बता दे रहे हैं किस टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, इनवर्स का भी नहीं किए थे ना, अब हम इनवर्स का देखेंगे कि ये इस तरह टाइप से क्वेश्चन आता है। ये AQ के लिए भी और PPU के लिए भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट